नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जादौन। इस वक्त की बड़ी खबर से आपका रुख कराते हैं। बाबरी की बरसी पर मथुरा की ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट बोर्ड पर आ गया है। आपको बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक बनी शाही जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे और लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिंदू महासभा के ऐलान के बाद करीब 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने ईदगाह मस्जिद में कावड़ लेकर घुसने का प्रयास कर रहे एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ब्रजेश भदौरिया, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वो शाही मस्जिद मथुरा पहुंचेंगे और बताया कि अयोध्या को सरयू, काशी और संगम से पवित्र नदियों का जल लेकर आए हैं, जिसे जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक जिससे किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं एसएसपी ने कहा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। जनपद में शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबरी की बरसी पर मथुरा की जगह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान क्या मोड़ लेता है।